सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल लीग T20 के क्वालिफाई वन मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला डिजर्ट वाइपर्स और गुल्फ गाइंस के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चले, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 8 फरवरी को इंडिया टाइम के अनुसार शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम डिजर्ट वाइपर्स की बात करें तो जहाँ पे 5 मैच में 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम गुल्फ गाइंट्स की बात करें तो 5 मैच में 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे गुल्फ गाइंट्स आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहाँ पे डिजर्ट वाइपर्स 0 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं गुल्फ गाइंट्स 2 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पे हेड टू हेड में भी देख सकते हैं कि हम लोग गुल्फ गाइंट्स आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पर डिजर्ट वाइपर्स का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं गुल्फ गाइंट्स का 87%। एवरेज स्कोर की बात करें तो डिजर्ट वाइपर्स का 158 है, तो वहीं गुल्फ गाइंट्स का 154 है। वहीं हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो डिजर्ट वाइपर्स का 219 है, तो वहीं गुल्फ गाइंट्स का 196 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो डिजर्ट वाइपर्स का 84 है, तो वहीं गुल्फ गाइंट्स का 108 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ भी गुल्फ गाइंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी, तो मोस्टली क्लियर रहेगी, 26.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वही ह्यूमिडिटी की बात करें तो 87% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स पिच की आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 148 बन सकती है। वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो 134 बनने की संभावना है। इस पिच पे अभी तक टोटल 79 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिल सकती है। अगर जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी तो वो भी मैच जीत सकती है। इस पिच पे अधिकतर मैच डिफेंड हुई है, तो यहाँ पर टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं कि टॉस जीत के बैटिंग करे। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम डिजर्ट वाइपर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दूसरी टीम गुल्फ गाइंस की बात करें तो ये भी टीम काफ़ी स्ट्रांग है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीमें स्ट्रांग है, दोनों के बीच में मैच भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम डिजर्ट वाइपर्स के की प्लेयर की बात करें तो सैम बिलिंग्स, कॉलिन मुनरो, रोहन मुस्ताफा, टॉम कैरन। वहीं दूसरी टीम अगर गुल्फ गाइंट्स के की प्लेयर की बात करें तो क्रिस लिन, जेम्स विंस, सिमरन हेटमायर, टॉम बैंटोन। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए गुल्फ गाइंट्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।